हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने वीडियो में कांसली की स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कटिंग सीखना ही काफ़ी नहीं है, कांसली ऊपर क्यों चढ़ जाती है या स्लीव जोड़ने में अगर परेशानी आ रही है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। तो सबसे पहले हमें अपनी कांसली के लिए मगजी तैयार कर लेनी है। वैसे आप चाहें तो कुर्ती और कांसली दोनों की इकट्ठी मगजी आप तैयार कर सकते हैं, और जॉइंट आपको इस तरह से तिरछे जोड़ने हैं जिनका कोना जो है वो बाहर के साइड में रहना चाहिए, तब दोनों बराबर आएंगे। और उसके बाद में हमें लगाना है इस पर गुणा। तो गुणा लगाते वक्त भी आधा इंच आप इसको बाहर के साइड में रखें मगजी को, और मगजी को बिल्कुल लूज़ हाथों से आपको करना है। नहीं तो कई बार कमेंट आते हैं कि मगजी सही नहीं बैठती गुणा लगाते वक्त, या फोल्ड होती है या बेलन बनता है। तो आपको ओरेब कपड़ा है तो उसको थोड़ा अच्छे से हैंडल करना है लूज़ हाथों के साथ में। ये देखिए, जैसे मैं बिल्कुल नहीं खींच रही हूँ उसको, ये बनाने के बाद में हमें सबसे पहले टुकी तैयार करनी है। तो उसके लिए हमें केवड़े पर गुणा लगाना है, और गुणा लगाना है आधा इंच कपड़ा छोड़ने के बाद में। यानी देखिए, इस तरह से बाहर रखना है आपको थोड़ा सा, और इस गुणे को आपको बिल्कुल नहीं खींचना है। अब आप जब भी गुणा लगाएं तो आप इस तरह से एक बार उसको नाखून से प्रेस कर लें। अब छोटे वाले फटके के साथ में इस केवड़े को हमें जोड़ना है। तो गुणा जितना आपको निकालना है, तो ये जो पहली सिलाई है उसको ध्यान में रखते हुए आप दूसरी सिलाई लगाएं। वो जितनी दूरी पर होगी उतना गुणा आपका निकल जाएगा, बारीक या मोटा जो भी आप निकालना चाहते हैं। अब ये छोटी सी है चीज़, तो हम इसे उल्टी तरफ से ही फोल्ड कर लेंगे। ताकि गुणा भी बाहर नहीं आएगा। अब उसके बाद में हमें ये टुकी वाला ऊपर वाला हिस्सा जो जोड़ना है, तो उस पर भी हमें इसी तरह से गुणा लगाना है। अब क्योंकि हम राउंड में गुणा लगा रहे हैं, तो एक बात ध्यान में रखिए, आप गुणे को बिल्कुल लूज़ रखें, गुणा बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए, अदरवाइज़ वो मुड़ेगा नहीं। तो जितना लूज़ आप छोड़ सकते हैं गुणे को, उतना उसको लूज़ कर दें। अब देखिए, इस तरह से नाखून से मैंने प्रेस कर लिया है इसको। थोड़ा सा इस कटोरी को जो है वो खींचते हुए लगानी है आपको, क्योंकि गुणा लगाने से थोड़ा सा वो इकट्ठा सा हो जाता है, तो आप इसको खींचते हुए लगाएं। अब उसके बाद में राउंड को आप इसी तरह से फोल्ड नहीं कर सकते, तो पहले आप फोल्ड कर लें। जो आधा इंच हमने मगजी रखी थी उसको आप इस तरह से अंदर के साइड से फोल्ड कर लें, और उसके बाद ऊपर के तरफ से सिलाई लगा दें। ये देखिए, अब हमारी टुकी बन जाएगी। अब टुकी के साइड से भी हमें गुणा लगाना है। तो वहाँ पर भी ये हमने गुणा लगा दिया है, सेम आधा इंच छोड़ने के बाद में लगाना है इसको, और एक बार नाखून से इसको प्रेस कर लेना है। अब ये है हमारा पीछे के साइड वाला बड़ा वाला फड़का, और इस पर हमें जोड़नी है खराकी। ये देखिए, खराकी का बड़ा वाला हिस्सा जो है वो जोड़ना है इस फड़के पर हमें। ये हो जाएगा। तो ये एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये देखिए, जब हम जोड़ते हैं स्लीव, तो हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले फड़के को आधा या एक इंच नीचे से हम स्लीव डालते हैं, यानी कि यहाँ पर हम इस स्लीव को डालते हैं। ये मैंने स्लीव पर मगजी लगा रखी है, तो उसको लगाने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम इसको इस तरह से जोड़ते हैं, तो ये स्लीव का कोना जो है हम इस बड़े फड़के के एक इंच नीचे की साइड में रखते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कांसली अगर ऊपर चढ़ रही है, गला छोटा बन रहा है, तो आप इसको बिल्कुल इस जॉइंट पर रखें। जो बड़े वाले फड़के का जॉइंट है वहाँ पर हमें इसको रखना है,
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बड़ा चीज़ तो है वो जोड़ दिया हमने बड़े फटके के साइड में कराकी का, ये देखिए बड़ा वाला हिस्सा स्लीव का उस साइड में है, छोटा वाला इस साइड में है। अब इसको हमें इस तरह से कराकी को जोड़ लेना है। ये देख पा रहे हैं आप बड़ा वाला हिस्सा बड़े फड़के पर, और जो छोटा वाला हिस्सा है वो हमारा स्लीव का कम वाला जो हिस्सा था वहाँ पर हमने इसको जोड़ लिया है। ये देखिए बड़ा वाला फड़के पर और यहाँ पर छोटा वाला स्लीव पर। अब यहाँ पर हमें जोड़नी है अपनी टुकी, ये देखिए यहाँ से हमें इस टुकी को अटैच करना है। अब ये जहाँ तक आती है वहाँ पर आप एक निशान लगा सकते हैं और यहाँ पर हमारा गला बनेगा, तो ये इतना ऊंचाई पे चला जाएगा तो जो एक तरह का खिंचाव आ जाता है स्लीव पहनते समय, तो वो खिंचाव भी नहीं आएगा। कई लोग बताते हैं कि भाई स्लीव जो है पहनने पर खींचती क्यों है बगल से, तो वो नहीं खींचेगी अगर आप यहाँ ऊपर से जोड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी टुकी जोड़नी है। तो ये स्लीव जोड़ने का एक और तरीका है, तो आप इस तरह से लगा के देखें आपकी स्लीव जो है बिल्कुल खिंचेगी नहीं और जो कांचली है वो ऊपर भी नहीं चढ़ेगी और गला भी छोटा नहीं पड़ेगा। अब इसे भी हम अंदर के साइड से एक बार फोल्ड कर लेंगे ताकि ऊपर वाली सिलाई फिनिशिंग के साथ में लगाई जा सके। तो ये देखिए ये दोनों चीज़ बन गई हमारी। अब जो हमारी दोनों साइड मैंने इसी तरह से पार्ट तैयार कर लिए हैं और उसके बाद में ये देखिए ये हमारा है गला, तो ये एक ब्लाद और पांच छह अंगल के बीच में होता है तो बिल्कुल करेक्ट आ जाता है, ऊपर नहीं चढ़ता या छोटा नहीं होता है। अब ये दोनों हिस्सों को हमें जोड़ लेना है, ये देखिए इस तरह से मैंने जोड़ लिया है। अब हम गले पर मगजी लगाएंगे। तो इस बार जब भी आप कांचली बनाएं तो स्लीव को इस तरह से जोड़कर देखें जैसा मैंने अभी बताया है, तो आपको बिल्कुल भी कांचली में परेशानी नहीं आएगी। तो ये गले पर मगजी बनाने के बाद में यहाँ जो कॉर्नर है वहाँ पर भी आप सिलाई लगा लें इस तरह से, तो ये कोने बन जाएंगे। ये बीच वाला कोना हो जाएगा इसी तरह से, दोनों साइड में भी इसी तरह से हमें कोने बना लेने हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे कोने। अब स्लीव पर मैंने लगा रखी है मगजी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत है। और अब हम जोड़ लेंगे अपनी स्लीव, तो ये मैंने फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई है, एक सिलाई ऐसे ही लगा लेंगे हम। अब देखिए फिटिंग करनी है हमें 11 इंच, तो ये 5.5 ले लिया मैंने। और ये जो फिटिंग है जहाँ तक आपकी खराकी है वहाँ तक लगानी है हमें, और उसके बाद आप पहन कर चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि खराकी से आपका लूज़ है तो इस फिटिंग को थोड़ा सा आगे तक भी ले जा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ तक छोड़ दिया है। अब पीछे के साइड में
हमें उरे पट्टी का यूज़ करना है। सीधी पट्टी आपको नहीं लगानी है, थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है उरे पट्टी से, तो बांधने के बाद में वो लूज़ नहीं रहेगा। अदरवाइज़ अगर हम सिंपल पट्टी लगाते हैं तो थोड़ी सी उखला हुआ सा रहता है पीछे से, तो आप ये उरे पट्टी लगाएं। ये पीछे के लिए मैंने डोरिया बना रखी है ऊपर की साइड, और इसे हमें थोड़ा सा तिरछा लगाना है। जिस हिसाब से वो गले में बनती है उस हिसाब से इसको अटैच करना है। अब नीचे के लिए भी मैंने ओरे पट्टी यूज़ की है, और जितना आपको बांधने के लिए चाहिए पीछे डोरी, क्योंकि यहाँ पर हम अलग से नहीं लगाएंगे। अब एक जो सलवट है छोटी सी लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है हमें बड़े फड़के कर कॉर्नर पर, और एक ही जो छोटा वाला फड़का होता है टुकी वाला उसके बीच में। मैंने ओरे पट्टी को नीचे रखा है, तो उस ओरे पट्टी को भी आपको खींचना है, और यहाँ पर भी पट्टी आपको ओरे भी लगानी है, उससे खिंचाव अच्छा आएगा तो कमर पे भी वो फिटिंग रहेगी। अब इस तरह से इस डोरी को बनाते हुए चलना है। और यहाँ पर हम लगा लेंगे फूंदे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।